गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बेटा आज की जो हमारी वीडियो हो सिक्स क्लास की है और एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.2 तक हमारे जो सभी क्वेश्चन हो चुके थे। एक लास्ट क्वेश्चन बाकी था 2.2 का, वो मैं चीट करना था, शायद वो आप कर लोगे। तो 2.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, कि इनमें से कौन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। तो आपने, आपके पास चार है, हमारे पास चार ऑप्शन है ए बी एंड सी एंड डी। तो इनमें से आपने एक चूज करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा जो एड एंड सब्ट्रैक्ट है, मल्टी प्रोडक्ट है, डिवाइड है, वो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं बेटा, ए प्लस वन प्लस जीरो। वन प्लस जीरो यानी कि जीरो को आप किसमें प्लस करोगे, आंसर वही रहता है। वन प्लस जीरो तो वन रहेगा, तो इसमें देखो वन एंड बी, जीरो को जीरो से प्रोडक्ट करोगे आंसर जीरो, ठीक है। सी में हम जाते हैं जीरो बाई में टू, यानी कि जीरो को आप किसी से डिवाइड करते हो तो आंसर जीरो रहता है। 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा, तो जीरो बाई टू टू। तो आपने सिर्फ एक ही आंसर लिखना था जो सोल्यूशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बेटा मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ए आएगा। बिकॉज बिकॉज वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, ये वन आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो और सब जीरो है, जीरो को जीरो जीरो, जीरो बाई टू जीरो, 10 माइनस 10 जीरो, जीरो बाई टू जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि जीरो प्लस और माइनस में कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, कोई भी वो करता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, यदि कोई होल नंबर है, जैसे होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो बता रखी है, यदि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कैन पूछ रखा है, कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, या तो उनमें से वन या दोनों ही जीरो होंगे, यदि उनकी प्रोडक्ट आप जीरो करते हो, यदि जीरो उनकी प्रोडक्ट जीरो आती है तो बेटा यस, ठीक है, यस हो जाएगा आंसर। और यस में हम लिख सकते हैं कि देखो आप प्रोडक्ट करते हैं, मैं इसलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आप देखो जीरो प्रोडक्ट जीरो करेंगे जीरो आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जीरो आंसर आने के लिए, जीरो प्रोडक्ट आने के लिए उनमें से वन तो जीरो होनी चाहिए और बोथ भी जीरो हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यस, क्या आ जाएगा बेटा, यस, ठीक है। वी कैन से दैट, बिल्कुल वहीं से वी कैन से दैट, ठीक है, वन और मोर, वन और बोथ, सॉरी बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, वो आपका। अब हमने क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। वो कह रहे थे लास्ट में आप एग्जाम्पल दें, अब एग्जाम्पल आप ले लो एक था हमारे, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अपने तरफ से 5 एंड 0, 5 और 0 होल नंबर है, आप दोनों की प्रोडक्ट करो आंसर तो जीरो आएगा। देखो आपके पास 1 0 है तब भी जीरो, और यदि हमारे पास दोनों ही जीरो हैं तो आंसर तब भी क्या आएगा हमारा जीरो। इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो इसका बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज है, सेम ऐसे ही है। वो क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, वहां पर वन है, ठीक है, तो फिर सेम स्टेटमेंट ये है कि वन या बोथ ऑफ देम विल बी, ठीक है, वन या, ठीक है, जीरो की जगह वन। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से आपने एग्जाम्पल देना है, इस तरह से ये लाइन लिखनी है, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन को मैं इसी में आपको बता देता हूँ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो हमें यहाँ पर, यहाँ वन मिलेगा आपको वन, ठीक है। एंड वी कैन से दैट वन एंड बोथ ऑफ देम विल बी वन, ये सेम ऐसे बेटा, ठीक है। तो उसका आपका आंसर क्या होगा, यस वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, ऐसा नहीं होगा, उसमें से एक, ठीक है, बोथ विल बी वन, बोथ विल बी वन आएगा, ठीक है, दोनों ही वन होने चाहिए। इसमें यदि आपका एक वन है और सेकंड वन होल नंबर नहीं है तो
तो फिर रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये नहीं आएगा, इसको आप यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर यहाँ से भी, और बोथ ऑफ देम, ये आपका आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ देम विल बी वन, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपने नोट कर लेना, इसको आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन के पास बोथ ऑफ देम विल बी वन, दोनों को ही वन होना जरूरी है, दोनों ही वन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं यहाँ बता रहा हूँ, यदि हमारे पास एक ही वन है तो रिजल्ट फाइव आएगा, न कि वन आया, देखो इसका वो वन के इक्वल नहीं आएगा, उसने कहा था कि वन के इक्वल होना चाहिए रिजल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, देखो ये वन तो नहीं हुआ, ये तो फाइव आया, ठीक है। और यदि आपके पास दोनों ही वन है इस तरह से, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा वन, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें हमें समझ में आ गया, जब हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन पुट होगा तो हम लिखेंगे बोथ ऑफ देम वन, क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ देम वन, एंड जीरो का कोई आंसर है तो उसमें हम लिख सकते हैं वन और, ठीक है, वन भी और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, वन भी हो सकता है और दोनों भी जीरो हो सकते हैं, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो इजी ही है, ठीक है। तब तक बेटा बाय एंड टेक केयर।